अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, जीरो पोर्स, जिससे आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी। मैं सारी चीज़ें हाथ से ही करके आज आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊँगी, जो कि जब मैं जल्दी में रहती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ फिंगर्स से ही। प्राइमर लगाने के बाद आपको 2 मिनट अपनी स्किन में इसको सेट होने देना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना कंसीलर या फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। मैं अपने सिर्फ इस एरिया पे ही यूज़ करती हूँ कंसीलर, और अंडर आई में इसको मैं फिंगर्स की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक को ना भूले, नेक पे भी आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लूँगी फाउंडेशन। मैं मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेबलिन मेरा शेड है 115। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बहुत ही सुंदर बेस बनता है मेरा। फिर जब आपका लेफ्ट ओवर बचा हो तब आप अपने यहाँ चीक्स एरिया पे भी लगा लें, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा गोल गोल है इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट। इसको पाउडर के यूज़ से ही इसको पूरा बिठा लूँगी, फिनिशिंग पाउडर से सेट करूँगी। अब अपने एयर एरिया को भी ना भूलें, नेक पे भी सेटिंग कर ले, पूरा स्किन एक जैसा ही दिखना चाहिए। अब मैं आईज़ के लिए ये वाला आई शैडो है शिमरी, मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये शिमरी आई शैडो, इतना ओवर भी नहीं लगता है बट लेकिन बिल्कुल लाइट सा ही आपको ग्लो देता है। मैं इसी को हाइलाइटर के यूज़ भी करती हूँ कभी कभी, बिल्कुल हल्का सा नोज़ पे, अपर लिप्स, लिटिल बिट ऑन चिन एरिया। यूज़ करूँगी लाइनर, मैं पहले ब्लू लाइनर यूज़ करूँगी। इसी के ऊपर मैं ब्लैक लाइनर लगा लूँगी, कॉम्बिनेशन मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है, न्यू यूनिक कलर आता है लाइनर का। अभी ये लाइनर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। देख सकते हैं मेरा लाइनर का कलर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अब मस्कारा यूज़ करूँगी। मैंने ब्लशर अप्लाई किया, मैं इसको अच्छे से मौज कर लूँगी।
अभी जैसे ये ज़्यादा पिंक पिंक दिख रहा है तो मैं इसको पाउडर की हेल्प से सेट करूँगी। सिंदूर लगाऊंगी, मेरा फेवरेट पार्ट सिंदूर। लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं दो शेड्स को मिक्स करके लिपस्टिक बनाती हूँ। बर्बरी माई फेवरेट ब्रांड, इट गिव्स यू अ स्मूथ टेक्सचर। लाइनर की हेल्प से मैं एक तिल बनाती हूँ। मेकअप हो चुका है, अब मैं फिक्सर यूज़ करूँगी। ये मेरा टोनर भी है कलर बार का और मेकअप फिक्सर भी है फिनिशिंग मिस्ट। सेट होने दूँगी मैं, जब तक कोम करके आती हूँ। आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मेरा स्किन दिख रहा है मैंने वैसे ही आपको दिखाया है, विदाउट फिल्टर यूज़ किए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।